बीजेपी विधायक मंदाताई महात्रे ने महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा घोषित नवीनबई के गौठानों के नियमन के फैसले का स्वागत किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मंदाताई महात्रे ने कहा कि फैसला सही है, लेकिन जीआर में कुछ खामियां हैं जिसे सुधारे बिना नवीनबई के गौठानों का संपूर्ण नियमन नहीं हो सकता। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर गौठानों का सिटी सर्वेक्षण कराकर प्रॉपर्टी कार्ड देने, 25% कमर्शियल और 4 FSI के उपयोग को मंजूरी देने की भी मांग की है। देखिए रिपोर्ट। नवीनबई की बीजेपी विधायक मंदाताई महात्रे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौठानों के मकानों को रेगुलर करने के फैसले का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा घोषित जीआर पर कुछ सवाल भी उठाए। मंदाताई महात्रे ने कहा कि फैसला सही है, लेकिन जीआर में कुछ त्रुटियां हैं जिसे सुधारे बिना नवीनबई के गौठानों का संपूर्ण नियमन नहीं हो सकता। सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर बीजेपी विधायक मंदा महात्रे ने गौठानों का सिटी सर्वेक्षण कराकर प्रॉपर्टी कार्ड देने, मकानों के लिए 4 FSI एवं 25% कमर्शियल उपयोग की मंजूरी देते हुए वे जहां हैं और जैसी हालत में हैं उनका संपूर्ण नियमन करने की मांग की है। बताना जरूरी है कि नए जीआर में 250 वर्ग मीटर तक के रहवासी मकानों को नियमित करने का प्रावधान है। विधायक मंदाताई महात्रे ने कहा कि गौठानों में कुछ लोगों ने दुकानें और सेवा सुविधाओं से जुड़े उपक्रम भी खोल रखे हैं, ऐसे में 25% कमर्शियल मंजूरी देकर इन्हें नियमन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रकल्पग्रस्त 40 वर्षों से फैसले का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए सभी खामियां दूर कर उन्हें न्याय देना चाहिए। लगातार कई वर्षों से गौठान विस्तार और गर्जेपोटी घरों को रेगुलर करने की मांग करती आ रही मंदाताई महात्रे ने विश्वास जताया कि सरकार इसमें सुधार जरूर करेगी और यदि नहीं करती है तो वे अगले विधानसभा में आवाज उठाएंगी। ये त्रुटियां के लिए मैं इतना सालों से विधानसभा में लड़ती आई, मेरी लक्ष्य वेदी पर ये 2015 तक लोगों ने तोड़ा नहीं, काम बच गए। अगर नहीं होता है, कुछ होता है तो हमको विधानसभा में तो आवाज ये उठाना ही पड़ेगा, हमारा आवाज उठेगा। मुझे तो लगता है कि सरकार ये देखकर अगर कुछ रह गया है तो वो जरूर पूरी करेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वर इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।